करेरा में आज 12 तारीख को आरटीसी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल करेरा में 492 नव आरक्षकों का दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की कार्यशैली कर्तव्य परायणता और उत्तम प्रशिक्षण की कला को मद्देनजर रखते हुए इन नव आरक्षकों को 44 सप्ताह का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शपथ ग्रहण करने के उपरांत ये प्रशिक्षणार्थी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मुख्य धारा में शामिल होकर देश सेवा के पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार हो गए हैं। यहां से ये नव आरक्षक पूर्ण सैनिक का दर्जा प्राप्त करने के उपरांत अपनी अपनी वाहनियों के लिए प्रस्थान करेंगे। नव आरक्षकों के दीक्षांत व शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर विनोद कुमार शर्मा, महानिरीक्षक पुलिस बल वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़, बतौर मुख्य अतिथि शामिल थे। विनोद कुमार महानिरीक्षक के द्वारा इस परेड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जवानों को सच्ची श्रद्धा से देश सेवा करने की शपथ दिलाई गई। प्लाटूनों ने धीरे धीरे धीमी चाल से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए परेड का प्रदर्शन किया। साथ ही करेरा जनपद के दिनारा का धर्मेंद्र पाल बीए का छात्र है, जिसने आईटीबीपी आरटीसी में 55 मीटर भाला फेंका, जिसे नगद इनाम यहां पर घोषित किया गया है और पुरस्कृत किया गया है। इसका विवरण निम्न प्रकार है। प्रथम प्रशिक्षण में स्थान बबलू कुमार, फिजिकल प्रशिक्षण में प्रथम स्थान सिपाही विवेकानंद, फायरिंग में प्रथम स्थान सिपाही धनेश्वर, ड्रिल में प्रथम स्थान सिपाही निखिल कुमार, हथियार प्रशिक्षण में प्रथम स्थान सिपाही नीलेश कुमार ने और वेस्ट मार्चिंग प्लाटून में प्रथम स्थान प्लाटून नंबर 2 ने प्राप्त किया है। इसी के साथ यहां पर आरटीसी महानिरीक्षक सुरेंद्र खत्री ने बताया कि नव आरक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की सैन्य विधाओं का प्रशिक्षण किया गया है और तमाम तरह के भाला फेंकना, हथियारों पर लगाए जाने वाले पैसिव नाइट विसियन उपकरणों का उपयोग करना, 5 वॉट संचार उपकरणों का उपयोग करना, तमाम तरह की चीजें सिखाई गई हैं। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को विशेष रूप से आईईडी का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है, ताकि वो नक्सलवाद के खिलाफ बिना किसी नुकसान के लड़ाई लड़ सकें। अवसर पर मैं अपने आप को आप सबके बीच पाकर अत्यंत प्रफुल्लित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सर्वप्रथम आज की पावन बेला में मैं आरटीसी करेरा के भव्य परेड को पूर्ण करने वाले समस्त नव आरक्षकों को इस शानदार परेड के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। गांव का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इन हिम बाकुरों को पैदा कर देश सेवा के लिए समर्पित किया है।